मायके और ससुराल की गर्मी। मायरा मजे से अपने कमरे में देर सुबह तक एसी की ठंडी ठंडी हवा में सो रही थी। तभी गर्मी के कारण उसकी आंख खुल जाती है और वो देखती है कि उसकी माँ मालिनी कमरे में झाड़ू लगा रही है। उफ माँ, ये क्या कर रही हैं आप? झाड़ू बाद में भी लगाई जा सकती है, फिर क्यों आप मेरी नींद खराब करती रहती हैं? सोने दो ना मुझे। अरे मायरा बेटी, 11 बज गए, अब नहीं उठेगी तो कब उठेगी तू? माँ फिर से शुरू कर दी ना आपने सुबह सुबह लेक्चर बाजी। 11 ही तो बजे, कोई आफत थोड़ी आई है। ये कहकर मायरा एसी ऑन करके फिर से सो जाती है और दोपहर में उठकर मेज पर आकर अपनी माँ को आवाज लगाती है। माँ प्लीज मेरा नाश्ता ले आओ। क्या बात है बिटिया रानी, बड़ी जल्दी तेरी आँख खुल गई। ब्रेकफास्ट का टाइम तो गया, एक नजर घड़ी की तरफ घुमाकर देखा होता तो पता चलता कि अभी लंच टाइम है। मगर मेरी सुबह तो अभी हुई है। आप बस जल्दी से मेरे लिए चिल्ड मिल्क शेक और बटर टोस्ट ले आओ, फिर मुझे गर्मियों के लिए शॉपिंग करने जाना है। मायरा की फरमाइश सुनकर मालिनी झट से उसके लिए उसका मन पसंद नाश्ता बनाकर उसके सामने ले आती है। मायरा बेटी, अब तू बड़ी हो रही है बेटी, तुझे अपनी आदतें बदलनी होंगी। तू दिन भर एसी की हवा में रहती है, भगवान ना करे अगर तेरे ससुराल में एसी ना हुआ तो। आज के मॉडर्न जमाने में गरीब के घर में भी एसी होता है, और वैसे भी आप और डैडी मुझे खूंटे से थोड़ी बांधोगे जो वहाँ एसी नहीं होगा। ये कहकर मायरा बात को टाल देती है। समय बीतता है और एक साल बाद ठीक गर्मियों में मायरा की शादी हो जाती है और वो बहू बनकर ससुराल चली जाती है, जहाँ उसकी सास सरिता उसका स्वागत करते हुए कहती है। आजा मायरा बहू, मैं तुझे सभी से मिलाती हूँ। ये बड़ी बहू है बबीता, ये उसकी बेटी चिंकी, और ये तेरी ननद नेहा, और ये गोपाल अनुराग का बड़ा भाई। ससुराल में रह रहे जॉइंट फैमिली को देखकर मायरा का चेहरा फीका पड़ जाता है और वो बोलती है, माँ जी अगर मिलना मिलाना हो गया हो तो क्या मैं अपने कमरे में जा सकती हूँ? वो क्या है ना, इस हैवी लहंगे में मुझे सफोकेशन हो रही है। हाँ हाँ क्यों नहीं नेहा, जा भाभी को कमरे में छोड़ा, चलिए भाभी। नेहा मायरा को लेकर कमरे में आ जाती है। थोड़ी ही देर में अनुराग भी कमरे में आता है। ओ गॉड, अनुराग इस कमरे में कितनी गर्मी है, प्लीज जल्दी से एसी ऑन कर दो। एसी का नाम सुनकर अनुराग मायरा को कमरे की खिड़की पर लाकर कहता है, माय डियर वाइफ देखो इससे अच्छी हवा हो सकती है क्या? ओ प्लीज अनुराग, मुझे बनाओ मत, जब तक एसी ऑन नहीं होता मुझे फ्रेशनेस फील नहीं होती। माफ करना मायरा, मेरे घर में एसी नहीं है। ये सुनकर मायरा उखड़े मिजाज से बोलती है, व्हाट, तुम्हारे घर में एक एसी नहीं? ओ गॉड। काफी देर तक कुरकुराने के बाद मायरा थक हार कर जैसे तैसे सो जाती है। तभी सुबह के 5 बजते ही कोई दरवाजा खटखटाता है, जिसे देख मायरा कुड़कर कहती है, ओ गॉड पता नहीं इतनी सुबह सुबह कौन आ गए। दरवाजा खोलिए देवरानी जी, मैं हूँ आपकी जेठानी। क्या हुआ जेठानी जी, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ? देवरानी जी आज आप ससुराल में आपकी पहली रसोई की रस्म है, जल्दी से नहा धोकर रसोई में आ जाइए। ये कहकर बबीता चली जाती है। कुछ देर बाद मायरा भी रसोई में आती है, जहाँ उसकी सास सरिता कहती है, बहू सबसे पहले हलवा बनाकर चूल्हा पूजन कर देना, और अनुराग के लिए छोले चावल बना देना, और तेरी जेठानी कचौरियाँ बड़े चाव से खाती तो उसके लिए कचौरी तल देना, और हाँ नेहा के लिए खट्टी सी कढ़ी बना, बस इतना ही बनाना है, मेरे लिए पुलके सेक देना। ऑल द बेस्ट देवरानी जी। अपनी सास और जेठानी के जाते ही मायरा बुरा सा मुंह बनाकर फुसफुसाना शुरू कर देती है। क्या मुसीबत है, एक तो ये गर्मी और ऊपर से सासू माँ खाने की लंबी सी लिस्ट थमाकर चली गई, इतना सब बनाकर इस गर्मी में मेरी तो हालत पतली हो जाएगी। इसके बाद मायरा खिंचे मन से खाना बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर बाद पूरा किचन गर्मी से उठ रहे भभके से भर जाता है, जिससे मायरा सिर से पांव तक पसीने से भर जाती है, और उसकी आंखों के सामने मायके में खुलकर जी हुई खुश मिजाज जिंदगी नाचने लगती है। मायरा अपने कमरे में बैठी पास्ता खा रही होती है, तभी अचानक, ओ गॉड इस पास्ते में तो बिल्कुल भी नमक नहीं है, लगता है माँ नमक डालना भूल गई। मायरा कमरे से उठकर पास्ते से भरी प्लेट लेकर जैसे ही किचन में आती है तो तड़के की छोंक से वो जोर से छींक पड़ती है। तभी मालिनी उसकी पीठ सहलाती है, मायरा मेरी बच्ची तू ठीक तो है? कुछ चाहिए था तो मुझे बुला लेती। ओ गॉड माँ ये किचन में कितनी गर्मी है, मैं तो कहती हूँ आप भी बाहर चलो। बेटी अगर हम हाउसवाइफ अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेंगी तो कौन संभालेगा हमारी जिम्मेदारी? तू जा, मैं नमक डालकर लाती हूँ।
अचानक सिटी की आवाज से मायरा अपने मायके की यादों से बाहर उबर आती है, जिससे उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वो बोलती है, पता नहीं माँ इतनी गर्मी में इतना सब कुछ कैसे करती थी। इसके बाद मायरा पहली रसोई में बनाया हुआ खाना अपने ससुराल वालों को परोसती है। अरे वाह मायरा, खाना तो काफी अच्छा बनाया है तुमने। हाँ चाची, आपने बहुत स्वादिष्ट हलवा बनाया है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, मगर मायरा अभी भी अपने ससुराल में घुल मिल नहीं पा रही थी। किसी न किसी बात पर उसे अपने मायके की कमी खल ही जाती थी। एक दिन की बात है, माँ मुझे कुछ पैसे दे दो, गर्मियों के लिए कॉटन के कपड़े खरीदने हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटी, ये ले पैसे, जा खरीदारी कर ले। नेहा को अपने मन की कहता देखकर मायरा भी अपने सास से गर्मियों के लिए शॉपिंग की बात कहना चाहती थी, मगर एक बड़ी हिचक ने उसे घेर लिया और एक बार फिर उसे अपने मायके की याद आ गई। माँ देखो ना, गर्मियों के लिए मीशो पर बहुत ही फ्लेक्सिबल आउटफिट्स बिक रहे हैं, मैं ऑर्डर कर दूं क्या? अरे ये भी कोई पूछने की बात है मायरा, जब तक मायके में है जो पहनना ओढ़ना है खाना पीना है सब कर ले। माँ मायके से आपका क्या मतलब है? मायके से मेरा सीधा मतलब ये है बेटी, कि जितने खुले मन से तू अपने मन की बात माँ के आगे रख पाती है, ससुराल जाने के बाद तू एक हिचक से भर जाएगी। वहां तुझे हमेशा 6 मीटर की साड़ी में रहना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा माँ, मैं कोई 70 सेंचुरी की शर्मीली नहीं हूँ जो शर्मा जाऊं। मायरा जैसे अपने मायके में बिंदास रहती वैसे ही ससुराल में रहेगी। इसी के साथ मायरा मायके की याद से बाहर आ जाती है और खुद से कहती है, माँ ने बिल्कुल सही कहा था, बहू बनने के बाद सब कुछ बदल जाता है। उस शाम जब मायरा कमरे में अकेली बैठी हुई होती है, तभी उसकी सास जिठानी और ननद तीनों हाथों में कई सारे चमचमाते शॉपिंग बैग्स लेकर वहाँ आती हैं। माँ जी जिठानी जी ये सब क्या है, खुद ही खोलकर देख लो मेरी प्यारी देवरानी। जैसे ही मायरा शॉपिंग बैग्स खोलकर देखती है तो उसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर कपड़े होते हैं, जिसे देख मायरा आंसू से भर जाती है। माँ जी ये सब कुछ तेरे लिए है बहू, मैं तेरी आंखों में झांक कर बस तुझे समझने की कोशिश करती रही और तुझे अपने मायके की यादों में खोया हुआ पाया। बहू तेरा ससुराल तेरे मायके की तरह हाई फाई तो नहीं, मगर हाँ हमसे जितना बन पड़ेगा हम करेंगे। तुझे ये साड़ियाँ पहनने की आदत नहीं है, इसलिए तुझे इस गर्मी में जो पहनने का जी करे वही पहनना। रही बात एसी की तो बहुत जल्द वो भी लग जाएगा। माँ जी मुझे एसी नहीं चाहिए, मेरे ससुराल वाले मुझे समझते हैं, मेरे लिए यही काफी है, मैं खुश हूँ। उस दिन के बाद से मायरा अपने ससुराल में पूरी तरह से घुल मिल कर रहने लगती है, जहाँ उसकी जिठानी बबीता किचन में हमेशा उसका हाथ बटाती। अब मायरा को किचन में गर्मी का एहसास नहीं होता, न उसे अपने मायके की कमी महसूस होती। बेटा और कितना समय बर्बाद करेगा, तू भी जल्दी से शादी करके अपना घर बसा ले, फिर तो मैं गंगा जी नहा कर आ जाऊंगी। अरे माँ आप भी ना, जब देखो मेरी शादी के पीछे ही पड़ी रहती हो। अभी अभी मैं गांव से विदेश आया हूँ, यहाँ थोड़ा काम तो कर लूँ, अच्छे से पैसे कमा लूँ, उसके बाद किसी लड़के से शादी करूँगा। अरे बेटा तू चिंता मत कर, मैं यहाँ पर तेरे लिए लड़की ढूंढती रहूंगी, तू वहाँ पर दिल लगा कर काम कर। ऐसा कहकर अनुराधा फोन रख देती है, जिसके बाद वह अपने बेटे पुनीत की कुंडली निकालती है और गाँव के पंडित को देने चली जाती है। अरे देखो पंडित जी, हमारे बिटुआ के लिए बढ़िया सी लड़की देखना, लड़की ऐसी हो बिल्कुल भोली और संस्कारी। अरे संस्कार तो उसके अंदर कूट कूट कर भरे होने चाहिए। बहन जी चिंता क्यों करती हो, आप परेशान मत होइए, मैं आपके बेटे के लिए ऐसी लड़की ढूंढ दूंगा कि पूरे गांव में उसकी जितनी शरीफ और संस्कारी लड़की कोई होगी ही नहीं। इधर अनुराधा अपने बेटे पुनीत के लिए लड़का ढूंढ रही थी, वहीं दूसरी तरफ पुनीत को अपने ऑफिस में एक अंग्रेजन से प्यार हो जाता है, जिसके बाद वह उसे बहुत जल्द शादी कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ अपनी अंग्रेजन बहू को अपनी मात्र हिंदी भाषा भी सिखाता है। कम समय में लीना अच्छी हिंदी बोलने लगती है। मेरे पति देव तुम कहाँ हो, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता लगा दिया है। Oh my sweet darling wife, you are so beautiful and so cute. पागल हो क्या, हिंदी में बात करो, तुम जानते हो ना मुझे अभी हिंदी सीख नहीं है। नहीं तो हिंदी सीख चुकी हो, और कितनी हिंदी सीखनी है, बस करो इतनी ही काफी है। अलीना बहुत भोली होती है और पुनीत को उसका भोलापन ही बहुत प्यारा लगता है। एक दिन अनुराधा पुनीत के पास कॉल करती है और उससे कहती है,
बेटा मैंने तुझे बहुत सारी लड़कियों की फोटो भेजी है व्हाट्सएप पर, देख उनमें से कोई भी एक लड़की पसंद कर लेना जो तुझे सबसे अच्छी और सुंदर लगे। अब वैसे तो सभी संस्कारी हैं, और हाँ एक लाल सूट वाली लड़की होगी, वो तो मुझे बहुत पसंद आई है। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनने के बाद पुनीत के माथे से पसीने छूटने लगते हैं और वह डरते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। दरअसल बात यह है कि मैं पहले ही शादी कर चुका हूँ। ये सुनते ही अनुराधा हैरान रह जाती है। अरे बेटा तू ये कैसी बातें कर रहा है, मैं यहाँ तेरी शादी के लिए कितनी खुश थी, लेकिन तूने तो मेरे सभी अरमानों पर पानी फेर दिया। अच्छा ये बता लड़की कैसी है, संस्कारी और हिंदुस्तानी तो है ना? माँ वो संस्कारी भी है और बहुत ज्यादा भोली भी है, लेकिन हिंदुस्तानी नहीं है, वो अंग्रेजन है। अंग्रेजन का नाम सुनते ही अनुराधा अचंभित रह जाती है। हे भगवान तूने तो मेरे कर्म ही फोड़ दिए। अरे बेटा तुझे हिंदुस्तान की कोई लड़की नहीं मिली जो तूने अंग्रेजन से शादी कर ली? अब काम कर चुपचाप, मेरी बहू को घर ले आ, नहीं तो तू जानता है ना तेरी माँ का कहर तुझ पर टूट पड़ेगा। पुनीत अपनी माँ से अलीना को मिलवाने के लिए हाँ कर देता है, जिसके बाद वह जितनी जल्दी हो सके अपनी टिकट करवा लेता है और अलीना को लेकर अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। माँ ये अलीना है आपकी बहू। हे भगवान ये बहू ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, अगर किसी गांव वाले ने इसे इस तरह देख लिया तो तू जानता है ना क्या होगा, कितनी बातें बनाएंगे लोग हमारे बारे में। अनुराधा तुरंत अपनी अलमारी से कुछ सूट के कपड़े निकाल लेती है, जिसके बाद वह अलीना का हाथ पकड़ती है और अपने गांव के टेलर के पास उसे ले जाती है। अलीना को देखकर टेलर उसे देखता ही रह जाता है। अरे वाह क्या मस्त माल है, हाय हाय हाय, पूरे गांव में ऐसा माल कहीं नहीं होगा, ये तो विलायती लगती है, इसका नाप लेने में तो और भी मजा आएगा। गांव का टेलर अपनी ठरकी आंखों से अलीना को देख ही रहा होता है कि तभी अनुराधा टेलर से कहती है, अरे टेलर जी अगर अपनी नजरे सेक ली हो तो जरा जल्दी से इन कपड़ों पर भी ध्यान दे दो। अरे कपड़े तो देख ही लूंगा, पहले नाप लेना जरूरी है ना, बिना नाप लिए मैं कपड़े कैसे सीऊंगा, और एक अच्छे टेलर की पहचान है कि वो अच्छा नाप ले, तभी तो अच्छा कपड़ा सिल पाऊंगा ना। गांव के टेलर के मुंह से ये सब सुनने के बाद अब बेचारी अनुराधा क्या ही कह पाती। टेलर साहब अगर ऐसी बात है तो जल्दी से मेरी बहू का नाप ले लो और इसके लिए जितने ढके हुए कपड़े सिल सकते हो सिल दो। अनुराधा के कहते ही वह बदमाश टेलर अलीना का नाप लेने लगता है। नाप लेते उसे पूरा आधा घंटा हो जाता है और वह इसी बहाने अलीना को गलत तरीके से छूता भी है, जिसके चलते अलीना को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती। क्या मस्त फिगर है इस अंग्रेजन का, ऐसा फिगर तो मैंने कभी नहीं देखा, पता नहीं कैसे इसके बेटे को इस अंग्रेजन ने पसंद कर लिया, काश उसकी जगह मैं होता तो मजा ही आ जाता। सरवन अपने मन में ये सोच ही रहा था कि तभी अनुराधा कहती है, अरे टेलर साहब अब क्या पूरी रात हमें यहीं खड़ा करके रखोगे, एक काम करती हूँ सब्जी मंडी से सब्जियाँ ले आती हूँ, तू यहीं बैठकर काट लूंगी और आप तसल्ली पूर्वक नाप लेते रहना। बस कोई नहीं हो गया नाप। अच्छे से नाप लेने के बाद सरवन अपनी इंची टेप रख देता है, लेकिन उसकी नजर अलीना के ऊपर से हटती ही नहीं है। ये सब अनुराधा देख रही होती है, लेकिन वह भी उसे कुछ नहीं कह पाती, जिसके बाद वह अलीना को घर ले आती है। अगले ही दिन सुबह ही सरवन कुछ सूट सिलकर अनुराधा के घर ले आता है। बहन जी मैंने सोचा तुम्हारी बहू विलायत से आई है, अंग्रेजन है, उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे, और होंगे भी तो वह छोटे छोटे होंगे, तो क्यों ना समय से मैं ही देने आ जाऊं कपड़े। ये तो बहुत अच्छा किया टेलर साहब आपने, जो घर पर ही कपड़े देने चले आए, लाओ इन कपड़ों को मुझे दे दो, मैं अपनी बहू को दे दूंगी। ये तो ठीक है, लेकिन अपनी बहू को बता दीजिएगा कि जरा एक बार कपड़े पहन कर देख ले, ताकि मुझे भी पता चल जाए मेरे सिले हुए कपड़े में कोई कमी तो नहीं है। अनुराधा सरवन की बात मान लेती है, जिसके बाद वह अपनी बहू अलीना को सूट का नाप देखने के लिए उसे कपड़े दे आती है। ले बहू इन कपड़ों का नाप अच्छे से देख ले, अगर कोई भी गड़बड़ हो तो बाहर टेलर खड़ा है उसे बता देना। जी माँ जी डोंट वरी। अरे बहू क्या कह गई मुझे कुछ समझ नहीं आया। ओह माँ जी ये कह रही हूँ कि चिंता मत कीजिए मैं सब अच्छे से देख लूंगी। ये सुनने के बाद अनुराधा वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद अलीना एक के बाद एक कपड़े पहनकर देखती है, लेकिन वह सभी या तो उसे टाइट होते हैं या तो हद से ज्यादा लूज होते हैं, जिसके बाद वह टेलर को अपने पास बुलाती है, जिसके इंतजार में सरवन काफी देर से बाहर खड़ा होता है।
आखिरकार बहू रानी ने मुझे बोला ही लिया, अब आएगा असली मजा। अलीना उसे गलत नाप के बारे में बताती है, लेकिन सरवन उसे गलत नाप के चलते गलत नजरिए और गलत जगहों पर छूने लगता है। लेकिन इस बार अलीना को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह सरवन के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है। तुम्हें क्या लगता है तुम जो चाहोगे वो करोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह छूने की? अलीना की आवाज सुनते ही पुनीत और अनुराधा वहां आ जाते हैं, जिसके बाद अलीना सब कुछ अपने पति और अपनी सास को बता देती है, जिसे सुनते ही अनुराधा को भी बहुत तेज गुस्सा आता है और पुनीत को भी बहुत गुस्सा आता है। वो दोनों मिलकर सरवन को बहुत बुरी तरह मारते हैं। अरे मुझे माफ कर दो मुझे, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैं अपनी गलती मानता हूँ, लेकिन मुझे जान से मत मारो, मुझे छोड़ दो। अरे मैं तेरे बारे में सब जानती हूँ, तेरे जैसा गंदा और नीच इंसान इस पूरे गांव में कोई नहीं है। हम सभी औरतों की ये मजबूरी है कि पूरे गांव में एक तू ही कपड़ा सिलने वाला है, लेकिन तेरे जैसे टेलर किसी भी गांव में नहीं होने चाहिए। आज तुझे हम सबक सिखा कर ही रहेंगे। पुनीत और अनुराधा उसे खूब मारते पीटते हैं, जिसके बाद सरवन को अकल आ जाती है और वह सभी से माफी मांग कर वहां से चला जाता है। उस दिन के बाद से वह फिर कभी किसी कोई गलत काम नहीं लेता और ना ही किसी को गंदी नजरों से देखता।